तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यार तो भाई, काफ़ी टाइम के बाद जो है ना, ये वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ यार। तो इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। पर आज की इस वीडियो में ना, काफ़ी सारे लोगों का जो है ना, डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ पर्सनली अपनी इस गाड़ी को लेकर यार। क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो लगाई थी, उसमें काफ़ी सारे लोगों का जो था ना यार, एक ही सवाल था कि भाई ऑल्ट्रोज रेसर कब आई, ये ऑल्ट्रोज रेसर नहीं है, ये है वो है, मतलब इतने सारे डाउट्स थे ना उन बंदों के अंदर यार। तो उनका जो है ना, डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जो है ना, एक बात आप लोगों को मैं पूछता हूँ कि यार, खुद ही एक बात जो है ना, कॉमन सेंस लगा के ये चीज़ सोचो कि यार ऑल्ट्रोज रेसर यार कहाँ से आ सकती है यार। वो अभी आप लोगों ने जस्ट ये जो है ना यार, ऑटो एक्सपो में आप लोगों ने देखी थी कि कैसी लग रही थी, बस वहीं से देख के जो है ना, मैंने इस गाड़ी में सोचा कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए, क्योंकि कैसी लगती है जो भी है ना, सब कुछ आप लोग को पहले ही लग जाएगा पता। तो बस वही चीज़ मैंने जो है ना करने की सोची थी यार, पर आप लोगों का जो है ना यार, एक ही रिस्पॉन्स आया कि यार भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ऑल्ट्रोज रेसर अभी नहीं आई है। भाई नहीं आई है यार, ये तो मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी को ही जो है ना, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवा के कुछ इस तरीके की लुक दी है इसको मैंने। तो यार मतलब हद है यार, आप लोग खुद ही सोचिए कि यार भाई ऑल्ट्रोज रेसर अभी कहाँ आने वाली है यार। वो अभी फेस्टिव सीजन में शायद हो सकता है उसकी लॉन्चिंग हो, पर अभी जो है ना, आप लोगों को मैं इस गाड़ी से अभी जो है ना, मैंने काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन की थी, तो उसमें से जो है ना, काफ़ी सारी चीज़ों का जो है ना, मैं आप लोग को अपडेट देना चाहता हूँ कि भाई कैसी चल रही है, ये जो मैंने रैप कराया हुआ है वो कैसा चल रहा है, मेंटेन किस तरीके से इसको करना पड़ रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अगर करना चाह रहे हैं किसी भी गाड़ी में, अगर आप लोग करना चाहते हैं इस तरीके का काम, तो आप लोग करवा सकते हैं। पर यार एक बार गाड़ी देखिए आप लोग कैसी लग रही है, मुझे सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ के बारे में कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये कैसी लगी यार। मतलब मुझे तो यार काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, और लोगों का भी जो है ना यार, मतलब रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। जब भी इस गाड़ी को मैं लेके चलता हूँ ना कहीं मार्केट पे, तो मतलब बंदों का जो है नज़र यार इस गाड़ी में रहता ही रहता है कि भाई कौन सी ये ब्लैक एंड वाइट कलर की जो है ना गाड़ी आ रही है यार। तो अभी जो है, अब जो स्टार्ट करता हूँ मैं, इसमें दो चार चीज़ें जो है ना मैंने अभी और ज़्यादा एड ऑन की है, उससे भी जो है ना गाड़ी की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। वो सब चीज़ें भी अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। उससे पहले जो है ना यार, इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी मस्त मस्त वीडियो जो है ना यहाँ पे आती रहती है। सबसे पहले इस गाड़ी का लुक चेक करिए आप लोग यार, एक लाइक तो कर देना इस गाड़ी के लिए। बाकी चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ कि वो मैंने क्या ऐड की है, और अपडेट आप लोगों को मैं इसके बाद देता हूँ थोड़ी देर के बाद कि भाई वो जो चीज़ें मैंने करवाई है वो आप लोगों को किस तरीके से जो है दिक्कत दे रही है या फिर नहीं दे रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, वोल्टेज जनरेटर आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे इंस्टॉल करवाया है। इसमें 6 वोल्टेज जनरेटर आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहे होंगे, जो इस टाइप के आप लोगों को जो है ना कुछ यहाँ से लुक देते हैं। ये देखिए, जो शार्किन वाले टाइप के होते हैं ना, छोटे छोटे से, वो आप लोगों को जो है ना ये यहाँ पे पूरी की पूरी जो है ना लुक दे रहे हैं। बाकी इसको थोड़ा सा दूर से अगर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ, तो कुछ इस टाइप की जो है ना इसकी लुक आएगी यार। मतलब इससे जो है ना गाड़ी की लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है यार। देखिए, ऐसा लगता है कि पीछे से पता नहीं क्या कुछ शार्क फिन टाइप का ऐसा कुछ निकला हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वॉर्टेक्स क्रिएट करते हैं गाड़ी में यार। एरोडायनेमिक्स इस गाड़ी के पहले ही जाए काफ़ी ज़्यादा तगड़े, इसको लगाने के बाद जो है ना आपकी गाड़ी की एरोडायनेमिक्स और ज़्यादा तगड़े हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की लुक थी अभी ओवरऑल। देखिए एक बार इसको पूरा मैं आप लोग को दिखाता हूँ, 360 डिग्री व्यू पर दिखाता हूँ मैं आप लोग को, कुछ इस टाइप की आप लोग को यहाँ पर लगेगी। तो शानदार लुक आती है यार इसकी, सच बता रहा हूँ मैं। बाकी अब जो है थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, जो मेन जो है हमारा थीम है वो यहाँ पे है। देखिए पहले जो था ना यहाँ पे वाइट था, यहाँ पे जो है ना माउंटेन्स यहाँ पे लगाए हुए थे मैंने, बाकी अब जो है इसको मैंने पूरा जो है ना इसको ब्लैक कर दिया है इसके डिक्की को। देखिए अब जो है ना ब्लैक एंड वाइट का जो है ना पूरा का पूरा जो है ना ब्लैक एंड वाइट का इसका मैंने थीम रखा हुआ है, जिससे जो है ना इसकी जो व्यू है देखने का अंदाज बिल्कुल इसका बदल चुका है यार। अब ये पीछे से देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना, और नीचे आप लोग को देख रहे होंगे TRD का जो है ना टो टैग यहाँ पे स्ट्रैप लगाया हुआ है, और बाकी यहाँ पे जो है ना डिफ्यूज़र टाइप का आप लोग को यहाँ देखिए मफलर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है साइलेंसर पे, जो कि कुछ इस टाइप की लुक आप लोग को यहाँ पे दे रही। गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ी गंदी है, उसके लिए मैं आप लोगों को माफ़ी चाहता हूँ पहले ही, ठीक है? तो उसके लिए माइंड मत करना, गाड़ी थोड़ी सी गंदी है यार। चलिए देखिए अब बताइए आप लोग को कैसी लग रही है। जो बैक पोर्शन है ना इसका यार, आप लोग को कैमरे में ठीक से जस्टिफाई नहीं हो रहा है, बट अभी जो है ना बहुत ज़्यादा ऑसम लग रही है यार। बाकी यहाँ मॉम एंड डैड का भी आप लोग को यहाँ पे स्टिकर दिख रहा होगा, अपना यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो यहाँ पे है, और सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बाकी वोटेक्स आप लोग को ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इससे जो है ना लुक काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है यार गाड़ी की, देख रहे हैं ना आप। चलिए थोड़ा ऊपर से आप लोग को मैं यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस टाइप से आप लोग को जो है ना इसकी लुक आएगी वोटेक्स की ये। बाकी ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं ऑनलाइन भी आप लोग इसको मंगा सकते हैं। बाकी ये रही पूरी की पूरी ओवरऑल लुक जो है ना थीम आप लोग को गाड़ी की, कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसकी आ जाएगी यार, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है कि नहीं है। बाकी ये छोटे छोटे मॉडिफिकेशन तो आप लोगों ने देख लिए थे, ये है कुछ इस टाइप की मॉडिफिकेशन। बाकी बैक पोर्शन आप लोगों को दिखा दिया, ये मैंने पीछे ही इसका काम करवाया, अभी और थोड़ा इसमें काम बचा हुआ है, वो भी काम धीरे धीरे अभी जो है इस गाड़ी में चला हुआ है, ये अपना प्रोजेक्ट काम है सारा का सारा,
अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा जो है ना मस्त हम लोग जो है ना बिल्कुल बनाने वाले यार धीरे धीरे करके। तो ये थे कुछ जो है ना इसमें मैंने जो ऐड ऑन किए थे चीज़ें, अभी और ज़्यादा इसमें मैं काम करवाऊंगा, वो सब कुछ देखने के लिए जो है ना आप लोगों ने इस चैनल पे बने रहना है। तो चलिए अब जो है आप लोगों को मैं अपडेट देता हूँ जो चीज़ें मैंने लगवाई है उसका कैसा है जो है ना अभी तक रिस्पॉन्स है। सबसे पहले तो रैप की बात करता हूँ, रैप को जो है ना आप लोग को मेंटेन रखना पड़ेगा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा काफ़ी बढ़ रही है ना, जिस वजह से जो रैप है आप लोगों का थोड़ा सा जो है ना मतलब हल्का सा जो है ना वो नरम नरम सा जो है ना हो जाता है, जिस वजह से हल्का सा जो है ना इसको यार समझ जाओ आप लोग वो सब कुछ होने की इसमें खतरा रहता है। तो आप लोगों को जो ना रैप है उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यार। बाकी जहाँ जहाँ पे अगर हल्के फुल्के से स्क्रैचेस भी आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर आ जाते हैं, पर आप लोगों ने डरना नहीं है, बस आप लोगों ने इसमें जो है ना गीला कपड़ा मारना है, आप लोगों ने सूखा कपड़ा बिल्कुल भी आप लोगों ने इसके ऊपर नहीं चलाना है, पहले आप लोगों को पानी से साफ करना है उसके बाद ही जो है ना आप लोगों ने इसमें कपड़ा मारना है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं हल्के फुल्के अगर आप लोग को डेंट लग जाएंगे तो उसके ऊपर से भी जो है ना यहाँ पे आप लोग ये रैप लगा सकते हैं, इसका ये चीज़ फ़ायदा आप लोगों को देती है। बाकी यहाँ पे सब कुछ मैंने जो है ना ब्लैक एंड वाइट का थीम रखा हुआ है इस टाइम पे। बाकी यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप की आप लोगों को लगेगी यार, मतलब अभी तक कोई भी ऐसी मेजर जो है ना दिक्कत मुझे नहीं आई है। अब चलिए दूसरा और एक मॉडिफिकेशन आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। आप लोगों को याद होगा जो मेरी गाड़ी में जो टायर्स है ना उसके जो ये आप लोगों को व्हील कवर देख रहे हैं, ये आप लोगों को जो है ना हाइपर स्टाइल वाले इसमें जो है ना व्हील आते थे, अब इसको भी जो है ना मैंने यार पहले ये थे सिल्वर टाइप के और अब मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट का थीम दे दिया इसको भी मैंने यार। बाकी ये आप लोग चेक कर सकते हैं, पहले सिल्वर में था अब जो है ना ये ब्लैक एंड वाइट का थीम आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें भी जो है ना मैंने रेडियम चिपका दिया है, जो ये वाला पोर्शन था ना इसका मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला जो पोर्शन था ये यहाँ पे सिल्वर था, अब जो है इसको मैंने ब्लैक रेडियम से इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है जो कि लुक काफ़ी ज़्यादा इसकी मस्त आ रही है। बाकी इस साइड से भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा धूप आप लोगों को पड़ रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग चेक कर पा रहे होंगे तो यहाँ देखिए ये ब्लैक एंड वाइट का थीम आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा इसके अंदर अभी आप लोग करवाओगे। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ टायर स्टिकरिंग की थी हम लोगों ने जुगाड़ करके देसी जुगाड़ से, उसका जो है आप लोग को अपडेट दूँ मैं तो उसको भी आप लोगों को जो है ना यार टाइम टू टाइम जो है इसको भी आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को पता है टायर जो है हमारे वो रोड के साथ चिपक के चलते हैं, कई बार कुछ लग जाता है, कई बार जो पार्किंग के लिए हमारे को दिक्कत आ जाती है तो टायर मोड़ने पड़ते, उस वक्त भी जो है ना आप लोग को दिक्कत कर सकता है क्योंकि अगर आप लोग का एक बार ये टायर अगर कहीं पर लग गया तो वहाँ से जो है आप लोग का पेंट उखड़ जाएगा। अब पेंट से अब आप लोग मेरे को बोलोगे कि ये अब टायर स्टिकरिंग है या फिर पेंट है, ये पेंट हम लोगों ने इसमें किया था जो आप लोग के सामने है। लुक अभी थोड़ा सा जो है ना दूर से आप लोगों को मैं इसकी लुक चेक करवाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये रही कुछ इस टाइप की आप लोग को ये यहाँ से लुक देगी। बाकी रनिंग शॉट अभी जो है ना अकेला हूँ मैं तो ऐसा दे नहीं पाऊँगा, बाकी अगर पॉसिबल हो पाया तो वो मैं आप लोग को ज़रूर से कोशिश करूँगा। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ये देखिए वाइट कलर का जो है ना मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है, कल को अगर ये निकल जाता है तो इससे जो है ना इसकी थोड़ी सी लुक बरकरार रहेगी। बाकी यहाँ देखिए मिट्टी लगी है इसके ऊपर से भी, यहाँ से भी नीचे से भी देख सकते थोड़ा थोड़ा सा जो है ना चल चल के अब जो है ये भी फेड होने लगा है क्योंकि पेंट है तो फेड हो गई आप लोग को पता है। बाकी आगे वाला जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है रनिंग रहते हैं इसके टायर्स, ये इसी नहीं मोड़ना होता है, सब कुछ जो है ना आगे वाले टायर्स का ही काम रहता है, तो यही सब कुछ जो है ना दिक्कतें करेगी आप लोग को कल को अगर आप लोग ये यही जुगाड़ अगर आप लोग करेंगे ना तो इतनी दिक्कत तो आप लोग को यहाँ पे आएगी ही आएगी इसके अंदर। तो इसको मेंटेन करने के लिए अब आप लोग को पता ही है क्या करना है, बस एक बार अगर आप लोगों ने अपना डिज़ाइन बना दिया उसके बाद जब जब आप लोग को फेड लगे उसमें दोबारा से जो है ना इसमें रिपेंट आप लोग कर सकते हैं, एक पेंट ब्रश लीजिए उसके बाद उसको ऊपर से इसमें चेप दीजिए, बस लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी गाड़ी। बाकी ये था ओवरऑल, देखिए यहाँ से जो है ना हल्के फुल्के से यहाँ से जो है निकलने लग रहे हैं, यहाँ देखिए कुछ यहाँ से कुछ इस टाइप की आप लोग को इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये अभी इसको जो है ना मैंने दोबारा से रिपेंट करना है यहाँ पे, इस वजह से जो अभी यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, साथ में सोचा आप लोग को इसका जो है ना मैं अपडेट भी देते रहूँ। यहाँ पे देखिए कुछ ये मतलब लुक जो है ना काफ़ी ज़्यादा सही आ रही है यार इस टाइम पे, मैं बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी है ये, इतना ज़्यादा जो है ना इसमें हम लोगों ने मॉडिफिकेशन भी नहीं किया। देखिए टायर्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल, इंटीरियर अभी तक कुछ भी काम नहीं किया इंटीरियर में, इंटीरियर का काम अभी बहुत ज़्यादा टाइम है यार, अभी तो गाड़ी भी न्यू है अपनी है, इसे छेड़खानी अभी नहीं करना चाहता, पर जो है ना लुक गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। आप लोग बताओ मुझे कि आप लोग को ये गाड़ी कैसी लगी यार, ये देखिए लग रही है ना मस्त यार, तो एक लाइक इसके लिए ज़रूर से ज़रूर कर देना। बाकी कोई भी डाउट होगा अगर आप लोग के मन में तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके, या फिर इंस्टाग्राम में भी फॉलो करके आप लोग वहाँ पर भी डीएम कर सकते हैं। अब रही प्राइसिंग की बात, प्राइसिंग भी आप लोग अगर पता करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो यार, तभी आप लोग को प्राइसिंग भी मैं वहाँ पे बताऊँगा क्योंकि कमेंट आप लोग करते नहीं हैं और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए और चलिए एक लास्ट लुक आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ से, देखिए
लग रही है ना काफ़ी मस्त ऑल्ट्रोज रेसर। लोगों का मन में डाउट था यार कि ये ऑल्ट्रोज रेसर आखिर आ कहाँ से गई, वो तो रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में दिखाई थी, पर ये जो है आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में कुछ इस टाइप की लगेगी अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो। पहले कैसी थी और अब कैसी है मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग को कैसी लगी। ये देखिए कुछ इस टाइप की आप लोग को देखने को मिलेगी। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ खास नहीं है यार, बस ये हल्के फुल्के से मॉडिफिकेशन ही मैंने किए हैं और इससे जो है ना लुक भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं और ये चीज़ भी आप लोगों को पता ही है। बाकी आप लोगों ने जो है ना कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यार थोड़ा बहुत अभी मैं काम में बिजी हूँ तो इस वजह से वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। तो अभी सोचा कि थोड़ा वक्त है तो अभी आप लोग देखिए ऐसी। तो बस वीडियो में लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर, मस्त मस्त वीडियो यहाँ पे आती रहती है। मैं मिलूंगा आप लोग को ऐसे ही When there's no legs, it'll kill when I'm desperate.